हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस करेंगे और ये वर्कशीट 2 दिसंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है। सब्जेक्ट इज इंग्लिश और ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों, इसके साथ ही क्लास 6 और क्लास 8 की वर्कशीट का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्कशीट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हमारी वर्कशीट में आज हमें एक पोयम दी हुई है, विच इज अबाउट ट्रीज। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। तो बच्चों, इस पोयम पे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन और आंसर्स दिए हुए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द पोयम एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। तो ये जो लाइन्स दिए हुए हैं, जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये सेंटेंसेस पोयम में से ही लिए हुए हैं। तो उसके लिए आपको पोयम अच्छे से पढ़ना होगा और उसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वर्ड्स चूज करने हैं और वर्ड्स आपको कहाँ से चूज करने हैं, यहाँ से चूज करने हैं। ये वर्ड बॉक्स में जितने वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से आपको सही वर्ड चूज करके ब्लैंक्स में लिखना है। तो फर्स्ट है डैश मेक्स नेस्ट्स इन द ट्रीज। तो ट्रीज पे नेस्ट कौन बनाता है? बर्ड्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा बर्ड्स। हु प्ले नियर ट्रीज? चिल्ड्रन प्ले नियर ट्रीज। वी प्ले डैश बिहाइंड द ट्रीज, तो वी प्ले हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई। वी प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड ट्रीज। पीपल समटाइम्स हैव पार्टीज अंडर द ट्री। कौन सी पार्टी होती है? टी पार्टीज अंडर द ट्री। ट्रीज गिव अस डैश ड्यूरिंग समर, तो ट्री हमें समर्स में क्या देता है? हमें छाया देता है यानी शेड देता है। ट्रीज गिव अस शेड ड्यूरिंग समर्स। मेनी फ्रूट्स लाइक डैश एंड डैश ग्रो ऑन ट्रीज, तो कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं हमें ट्रीज से? एप्पल्स एंड पियर्स। तो मेनी फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड पियर्स ग्रो ऑन ट्रीज। वी कट ट्रीज टू गेट टिम्बर, टिम्बर यानी कि लकड़ी, तो वी गेट ट्रीज टू गेट टिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स राइट पैराग्राफ ऑन वैल्यू ऑफ ट्रीज बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ ट्रीज के बारे में पैराग्राफ दिया लेकिन बीच बीच में ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं सेंटेंसेस में, और ये ब्लैंक्स आपको इस वर्ड बॉक्स में से सही वर्ड को चूज करके भरने हैं। ट्रीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी ट्रीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। दे गिव अस ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर लिविंग, यानी ट्रीज हमें ऑक्सीजन देता है जो कि लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। दे गिव अस फ्रूट्स एंड मेडिसिन, और ट्रीज हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स, फल देते हैं, दवाइयां देते हैं। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, और ये पॉल्यूशन को भी कम करने में मदद करते हैं। दे सर्व एज होम फॉर मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, और ये बहुत सारे जानवरों और पक्षियों के लिए घर के समान होते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज फॉर अ बेटर एनवायरमेंट, तो हमें अपने आसपास के जगह को और अच्छा करने के लिए और शुद्ध करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड यूजिंग द गिवन हेल्प बॉक्स। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग दिए हुए वर्ड से बिल्कुल उल्टी हो। तो समर का उल्टा क्या हो गया? विंटर। डाउन का उल्टा यानी डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, तो डाउन का एंटोनिम अप। नेक्स्ट शेड यानी छाया, तो शेड का उल्टा हो जाएगा सन यानी धूप निकली हुई है, छाया और धूप, तो आंसर हो जाएगा सनी। कूल यानी ठंडा, हॉट यानी गर्म, तो कूल का उल्टा हॉट। स्ट्रांग यानी ताकतवर, वीक यानी कमजोर, तो स्ट्रांग का एंटोनिम विल बी वीक। टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, तो टॉल का एंटोनिम हो गया शॉर्ट। इन मतलब अंदर, आउट मीन्स बाहर, तो इन का एंटोनिम आउट। गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा, तो गुड का अपोजिट हो गया बैड। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस वीडियो के साथ साथ क्लास 6 और
क्लास 8 की वीडियोस की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसके साथ ही आपको हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम के भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पे भी हमारे चैनल के सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होती रहती है, तो जरूर चेक करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।